बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। तो आइए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं MTH 100 का। तो मैट्रिक्स किसको कहते हैं, मैट्रिक्स की हम सबसे पहले डिफाइन को देख लेते हैं। तो मैट्रिक्स की डिफाइन में हमारे पास है कि अ मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर आर्गूमेंट ऑफ अ नंबर इन विच रॉ एंड कॉलम द ऑर्डर। हाँ जी, यहाँ तक उसकी डिफाइन ख़त्म हो जाती है। क्या मतलब इसका, देखें मैट्रिक्स इज़ आ रेक्टेंगुलर अरे भी कह सकते हैं आप, कि जिसमें रियल नंबर को ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है। ठीक है, आपके पास कोई भी नंबर है उसको रेक्टेंगुलर अरे की मदद से जो है उसमें इनक्लोज बाय द ब्रैकेट भी कह सकते हैं। क्या मैट्रिक्स इज़ आ रेक्टेंगुलर अरे इन विच द रियल नंबर इनक्लोज बाय द ब्रैकेट। तो मैट्रिक्स की ये भी डिफाइन भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स नज़र आ रहा है जो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है। तो इसके अलावा इसमें आर्डर क्या होता है, देखें आर्डर इसमें ये होता है कि आपके पास जो भी मैट्रिक्स है, लेट अस सपोज मैं यहाँ पर एक और मैट्रिक्स यहाँ पे लिख देता हूँ, तो आर्डर आपको ये बताएगा कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं ये इसका R1 यानी कि पहली रो है, ये इसकी R2 यानी कि दूसरी रो है। इसी तरह इसका ये वाली जो है ये इसका C1 है यानी पहला कॉलम, और यहाँ से ये जो है इसका दूसरा कॉलम। तो किसी भी कॉलम के अंदर उसमें मौजूद कतारों और कॉलमों के बारे में बताना उसका ऑर्डर मैट्रिक्स कहलाता है। तो यहाँ पे इसको लिखना कैसे होता है, तो मैट्रिक्स को पहली बात तो यह है कि इसका सिम्बोलिक रिटर्न कैसे लिखना है। उसने यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि I11, ठीक है, I12, I1 अप टू 100 तक इसमें जितने मर्ज़ी नंबर जो हैं आ सकते हैं। अच्छा, इन नंबर्स को क्या कहते हैं, इन नंबर्स को हम जो है इंट्री का नाम देते हैं। ये जो नंबर इसमें आ रहे हैं इनको हम क्या नाम देते हैं, ये इनकी इंट्री होती हैं। तो इसमें और इसके अलावा हमारे पास जो है ऑर्डर क्या होता है, लिखना कैसे होता है ऑर्डर को, कि अगर आपके पास जैसा कि मैंने यहाँ पर एक और मैं उसी कॉलम को अगर हम बात बता दूँ, जहाँ एक और कॉलम लिख देता हूँ कि ये मैंने 1, 2, 3 और 4, 1, 2 लिखा हुआ है। तो अब देखिए इसमें दो कतारें हैं और 1, 2, 3 कॉलम है। तो आपने जो लिखना होता है वो होता है कतार पहले लिखनी है, फिर डैश, फिर बाय, फिर कॉलम। तो ये होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आपकी MCQs का ये हिस्सा होगा। तो इसके अलावा जो है ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स जो है इसमें एडिशन कैसे होगा, देखें एडिशन के लिए ज़रूरी है कि आपके ऑर्डर का सेम होना मस्ट है। ये भी आपके MCQs का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि जो ऑर्डर जो है वो मस्ट है कि वो सेम हो, तभी वो एडिशन होगा। ठीक है, ऑर्डर मस्ट होना सेम कैसे है, यानी कि अगर किसी में दो कतारें हैं या तीन कतारें दो कॉलम हैं, तो नेक्स्ट जिसमें जमा करना है उसके लिए भी ज़रूरी है कि उसकी भी तीन कतारें दो कॉलम ही हो, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि हम उसे ऐड कर सकें। फिर सब्ट्रैक्ट के लिए भी ऐसा ही है कि मस्ट भी है सेम ऑर्डर। तो इसके अलावा जो है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ जाती है। तो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास इस तरह से आ जाता है कि ऑर्डर जो है ये ज़रूरी होता है कि आपके पास जो भी ऑर्डर जिसको आपने मल्टीपल करने के लिए रखा होगा, तो उसमें कुछ इस तरह से होगा कि लेट अस सपोज आपके पास अगर दो, यहाँ पे मैं कॉलम आपको बना देता हूँ कंसेप्ट के लिए, कि लेट अस सपोज आपके पास एक कॉलम यहाँ पे है 1, 2, 3, 1, अनदर कॉलम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1, 2, 3 एंड 1। तो अब देखिए इन दोनों को अगर आपस में ज़रब देनी है, तो ज़रब देने के लिए असूल क्या होता है, पहला असूल यह है कि आपके पास जो पहले नंबर पर कॉलम लिखा गया है उसमें मौजूद जितनी कतारें हैं, ठीक है, उसमें मौजूद जितनी कतारें हैं आपके दूसरे मैट्रिक्स जिससे आपने मल्टीपल करना है उसके कॉलम के बराबर होनी चाहिए। द नंबर ऑफ रो इन अ फर्स्ट कॉलम मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इन सेकंड मैट्रिक्स। दोबारा सुन लें, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या असूल है कि द नंबर ऑफ रो इन अ फर्स्ट कॉलम मस्ट बी इक्वल टू फर्स्ट कॉलम जो है मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इन सेकेंड मैट्रिक्स। तो यहाँ से ज़रब देने का असूल ये होता है कि 1 ने इसे मल्टीपल होना है, देन फिर इस 2 ने 3 से मल्टीपल होना है, ठीक है, और वो आंसर यहाँ पे दरमियान में जमा लगा के लिख देंगे। फिर 1 ने 2 से मल्टीपल होना है और फिर 2 ने 1 से मल्टीपल होना है और वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा, सही है। और फिर उसके बाद क्या होगा, 3 ने 1 से मल्टीपल होना है
और थ्री ने थ्री, वन ने थ्री से मल्टीपल होना है यहाँ पे, फिर इस तरह थ्री ने टू से भी और वन ने वन से भी और वो यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से जो है एक कॉलम बन जाएगा आपके पास। तो ये ज़रब देने का कुछ असूल है कि आपके पास जो नंबर ऑफ़ रो है ए कॉलम की वो इक्वल हो नंबर ऑफ़ कॉलम जो आपके पास बी कॉलम है उसके। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद यहाँ पे देखें, उसने इन दोनों कॉलमों को आपस में ज़रब दी हुई है। ये ज़रब कैसे दी हुई है मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कि ए और बी जो है वो किस तरह से मल्टीपल हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास जो दोनों कॉलम दिए हुए हैं उसमें जो नंबर ऑफ पहले का जो टू है ना, टू ने वन से मल्टीपल होना है जाके, ठीक है। फिर थ्री ने जाके मल्टीपल होना है इस वाले वन के साथ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं टू इंटू वन और थ्री इंटू वन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। देन इसी तरह जब ये पहली रो ने काम कमल कर दिया पहले कॉलम पर, अब उसी तरह पहले रो ने दूसरे कॉलम पे काम करना है, सॉरी दूसरे कॉलम पर, ये यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, इससे। और फिर इस थ्री ने इस ज़ीरो से चले जाना है, इस ज़ीरो पे चले जाना है उसने, ठीक है, मल्टीपल होने के लिए। तो इस तरह हर रो पहले एक मुकम्मल कॉलम पे जाएगी, पहले ये वाली रो जो है इस कॉलम के लिए, फिर यही रो सेकंड कॉलम के लिए, ठीक है, फिर यही रो आपके पास है थर्ड कॉलम के लिए। तो जब ये मुकम्मल हो जाएगा सेट ऊपर वाला, तो यहाँ पर तीन सेटअप बन जाएंगे। फिर इस तरह नेक्स्ट जो है फिर दूसरी रो ने आना है, और दूसरी रो ने भी फिर पहले कॉलम से मल्टीपल होना है, तो वो यहाँ पे, फिर दूसरी रो ने दूसरे कॉलम पे मल्टीपल होना है यहाँ पे, फिर दूसरी रो ने तीसरे कॉलम से मल्टीपल होना है जाके, तो फिर वो यहाँ पे। इस तरह लास्ट वाली रो ने भी तीनों से मल्टीपल होना है, तो वो आपको पास 3x3 का आंसर ले आएगी। तो ये तो है हमारे पास कुछ इसका मल्टीप्लिकेशन का तारुफ। तो इस तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं, देखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास कुछ इस तरह से होते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे इसे बोलते हैं डायगनल एंट्री, ये जो 0 0 लिख रहा हूँ ये है नॉन डायगनल एंट्री, ठीक है। अगर डायगनल एंट्री में दोनों एलिमेंट 1 1 आ जाएं तो इसे बोलते हैं आइडेंटिटी, और ये चूँकि 2 1 हैं तो इसे I2 का नाम देते हैं। फिर इसी तरह अगर आपके पास कुछ इस तरह से मैट्रिक्स बन जाए कि जिसमें कुछ इस तरह से हो के 1 0 0 0 1 0 0 0 1, अब देखें इसमें भी क्या है कि आपके पास जो डायगनल एंट्री है, जैसे मैंने इसको ये नाम दिया हुआ है कि ये हमारे पास क्या होती हैं डायगनल एंट्री होती हैं, ये हमारे पास क्या आ रही हैं 1 1 आ रही हैं, तो ये बाकी सारे जो हैं वो 0 हैं। इस तरह ये भी आइडेंटिटी होगा लेकिन इससे हम I3 का नाम देंगे, सही है। तो इसी तरह उसने जो है वो यहाँ पर जो है I4 भी लिखा हुआ, तो I4 के लिए भी क्या होगा, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो इसकी डायगनल एंट्री है ना उसमें क्या है 4 1 है, इसी वजह से इसे I4 का नाम भी देंगे, लेकिन ये क्या होती है ये आइडेंटिटी है हमारे पास। तो इसके अलावा किसी भी कॉलम का इन्वर्स कैसे निकालना है, तो कॉलम का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, तो इन्वर्स निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, ठीक है। हम उस फार्मूले को यहाँ पर देख लेते हैं कि किसी भी कॉलम का इन्वर्स निकालने के फार्मूला जो होता है वो होता है हमारे पास ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू लिखा जाता है 1/A का डिटर्मिनेंट, ठीक है, और साथ में एडजॉइन ऑफ ए, ठीक है। तो ये आपके पास ए जो है वो मैट्रिक्स में होगा और यहाँ पे भी जो है ए का डिटर्मिनेंट है। तो नंबर ये आपके पास एडजॉइन क्या होता है, ये आपके पास डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो आइए ज़रा हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये आपके पास क्या होते हैं। अगर आपके इस बुक में हुए तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बता देता हूँ। तो आई होप आपके इस डाउट में जो है इतना नई डिटेल से बताया गया। तो नेक्स्ट आपके पास उसने दिया हुआ है जी हमारे पास के डेफिनेशन है एक और, क्या मैट्रिक्स इन इचलॉन फॉर्म इफ़ इट हैज़ अ फॉलोइंग प्रॉपर्टी। अब ये इचलॉन फॉर्म क्या होती है, इचलॉन फॉर्म का मतलब होता है कि आपके पास कुछ इस तरह का मैट्रिक हो, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे मैट्रिक्स बता देता हूँ। तो लेट अस सपोज अगर आपके पास एक ऐसे मैट्रिक्स मौजूद हो उसमें एंट्री हो, एंट्री कुछ इस तरह से हो कि आपके पास, ठीक है, यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि कॉलम है आपके पास, अब इस 1 के नीचे 0 आना मस्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाए, यहाँ पे जो है वो 0 आ जाए, ठीक है, यहाँ पे 1 आ जाए, यहाँ पे 0 आ जाए, तो ये सारे यहाँ पे 0 0 0,
क्यों मैंने ऐसा क्या लिखा है? देखें, इचलान फॉर्म उस वक्त बनती है, इसे हमने रिड्यूस इचलान फॉर्म का नाम देते हैं वैसे, तो इचलान फॉर्म के लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास इस जो वन लिखा है ना, उस वन के नीचे ज़ीरो सारे बनाए जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपके पास अगर यहाँ पे वन मौजूद है, ठीक है, तो उसके बाद जब आप निचली रो पे आएंगे तो निचली रो में यहाँ पे अगर वन होता तो ये वन ज़ीरो बनाना ज़रूरी थे, ये वाले। अगर यहाँ पे वन नहीं आया तो वन को आपने यहाँ पे लाजमन बनाना है, अगर यहाँ पे भी नहीं बन रहा तो आपने आगे वन बनाना है, ठीक है। मतलब कि आपने निचली रो में वन बनाना है और वन के नीचे जितने भी एलिमेंट होंगे वो ज़ीरो करने होते हैं, इसे बोलते हैं इचलॉन फॉर्म। लेकिन अगर आप ऐसा करें कि आपने इनके साथ साथ, ठीक है, इन ज़ीरो के साथ साथ आप इसकी ये वाली साइड पे भी ज़ीरो बना देते हैं, तो इसे बोलते हैं रिड्यूस इचलॉन फॉर्म। यही आपके पास नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कि ये रिड्यूस इचलॉन फॉर्म क्या होते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये रिड्यूस इचलॉन फॉर्म जो है वो किस तरह से बनाए जाते हैं, कैसे होते हैं। इसे लोअर ट्राइंगल के नाम से भी जानते हैं और अपर जो है वो ट्राइंगल को ज़ीरो करने के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट हम जो है वो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, उसने एग्जांपल दी हुई है इसको किस तरह से सॉल्व करना है, तो आइए हम ज़रा देखते हैं। उसने कहा है कि एक्स प्लस टू वाई प्लस जी इज़ इक्वल टू वन, टू एक्स प्लस टू वाई इज़ इक्वल टू टू, दैन थ्री एक्स प्लस फाइव वाई प्लस फोर जी इज़ इक्वल टू वन। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले जो है इसमें से मैट्रिक्स बनाना है। मैट्रिक्स कैसे बनाया जाएगा कि आपके पास जो एंट्रीज़ हैं, ठीक है, कौन सी एंट्रीज़ की बात हो रही है, ये एंट्रीज़ जैसा कि आपके पास क्वेश्चन में ये वन है, ठीक है, कौन सी की वन है। अब देखें एक्स के साथ कुछ भी नहीं था तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, ये आपको नज़र भी आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद टू आ रहा है, जी के साथ कुछ भी नहीं है तो वन आ जाएगा, इस तरह फिर टू टू और जी है ही नहीं है तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह एक्स के साथ थ्री है, वाई के साथ फाइव है, तो ये जो आपके पास नीचे कॉलम नज़र आ रहा है आपका बिल्कुल इसी तरह से बनाया गया है। साथ में आपने एक्स वाई जी को बनाना है, ठीक है, और इक्वल टू वन टू थ्री जो है वह आपने साथ लिख देना है, ये इक्वल की दूसरी तरफ के आंसर हैं। अच्छा, ये कैसे साथ में लिखा गया है, देखें अगर आप इसको आपस में मल्टीपल करेंगे ना तो आपको दोबारा यहाँ पे ये फॉर्म मिल जाएगी। अब आपने यहाँ से एक्स और वाई का आंसर निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखें आपके पास जो कॉलम दिए गए हैं आपने इनका, इस वाले कॉलम का जो यहाँ पे गिवन है एक्स वाई के साथ, इसका आपने इन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो इन्वर्स कैसे निकाला जाएगा और साथ इसमें का डिटर्मिनेंट भी निकालना है, तो डिटर्मिनेंट किस तरह से निकाला जाएगा हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर उसने क्या किया है, इसने यहाँ पे रिड्यूस इचलॉन फॉर्म की मदद से सॉल्व करने की कोशिश की है इसको। वो कैसे होता है, देखें आपके पास जो भी कॉलम था आपने इसी कॉलम के साथ, ये जो आपको एक्स वाई जी के साथ नज़र आ रहा है, ये इक्वल के जो बाद में आ रही है ना आपके पास कॉलम, आपने इसको भी इसके साथ लिख देना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको भी इसके साथ लिख दिया गया है, ये जो आपके पास इक्वल के बाद वाला था जो इसके साथ आपको लिख दिया गया है। अब आपने करना क्या है, आपका वही मकसद है इचलॉन फॉर्म में रिड्यूस करना। सबसे पहले इस कॉर्नर पे वन बनाना था तो वो वन ऑलरेडी है, सही है, वो वन ऑलरेडी है वहाँ पे, तो उस वन के नीचे जो भी आपने बनाना है, ठीक है, उस वन के नीचे जो आपने बनाने हैं सारा कुछ, वो आपने क्या करना है, ज़ीरो बनाने हैं इस वन के नीचे। कैसे बनाएंगे ज़ीरो, देखें अगर मैं आर टू में से माइनस टू आर वन करूँ, ठीक है, तो क्या मतलब है, देखें R2 मेरे पास उस वक्त 2 है, वहाँ पे जो ये वाला फैक्टर है इसके ऊपर 1 है, तो अगर मैं R1 को माइनस टू से मल्टीपल करूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो ज़ीरो हो जाएगा। फिर ये काम पूरी की पूरी रॉ पे करना है, ये काम पूरी रॉ पे करना है कि R2 वाले में से माइनस करना है R1 वालों को माइनस टू से मल्टीपल करते हुए, ठीक है। तो उसके बाद जब आपने नीचे वाले को ज़ीरो बनाना है तो आपने क्या करना है, आपने आर थ्री में से क्या करना है जी, माइनस करना है थ्री को मल्टीपल करते हुए आर वन से, क्योंकि ये वाला जो फैक्टर है ये माइनस का तीन हो जाएगा, फिर प्लस तीन करेंगे तो यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। हमें सिर्फ इस लाइन से मतलब है, बाकी जो मर्ज़ी बनता जाए यहाँ पर हमें इसका कोई मतलब नहीं है।
तो जब आपने ये काम कर लिया पूरा, आपने इस मकसद में कामयाब हो गया कि आपने इस वन के नीचे जो है वो टोटली सारे ज़ीरो बना लिए, देन आपका जो काम होता है वो काम ये होगा कि आपने अब इस पॉइंट पर क्या बनाना है, वन बनाना है। ठीक है, तो वो वन किस तरह से बनाया जाएगा, तो वो वन आप किसी चीज़ को डिवाइड करके भी बना सकते हैं, ठीक है, या फिर आप किसी चीज़ को प्लस माइनस करते हुए भी आपने यहाँ पे वन बनाना है। ठीक है, तो जैसे ही वन बन जाएगा तो इस वन के नीचे आपने कोशिश करके क्या करना है, ज़ीरो बनाना है, नीचे भी और ऊपर भी। तो वो कैसे बना सकते हैं हम, आर वन में से किसी चीज़ को माइनस करके या आर थ्री में से किसी चीज़ को माइनस करके, ये आपने देख लेना है कि उसके अकॉर्डिंग क्या चीज़ बनती है। ठीक है, तो वो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से देखना है आपने, जिसको ज़ीरो बनाना होता है आपने उसे देखना है कि इसमें क्या ऐड करूं या क्या प्लस करूं, फिर आपने उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिसको आप ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके साथ मल्टीपल करके उसको प्लस या माइनस के ज़ीरो कर देना है। तो अब देखें इस वाली रॉ को भी देखें तो ये भी अपने मकसद में कामयाब हो चुकी है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इस वाले जगह पर क्या बनाना है, वन बनाना है। तो इसको हम जब माइनस चार से अगर डिवाइड भी कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वन हो जाएगा और ये भी चार से डिवाइड होगा तो माइनस वन हो जाएगा, पॉजिटिव फोर था ना इस वजह से वो माइनस वन हो चुका है। तो वो ज़ीरो ज़ीरो आपके पास वैसे आए हैं, ज़ीरो से डिवाइड भी करेंगे तो वो ज़ीरो का ज़ीरो ही रह जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, अब आपने आंसर कैसे निकालने हैं, आप देख सकते हैं इस वन की मदद से आपने अब क्या करना है, अभी ऊपर वाले भी ज़ीरो बनाने हैं, ये वाला ज़ीरो बनाना है, ये वाला ज़ीरो बनाना है, तो ये आपने भी ज़ीरो बना दिए यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। तो अब आपके पास फॉर्म में आंसर आ चुका है कि जो एक्स वाले का आंसर है वो यहाँ पे ज़ीरो है, ठीक है, और जो आपके पास वाई वाले का आंसर है वो यहाँ पे क्या है, वन है, और जी वाले का आंसर जो आपके पास जो है वो माइनस का वन है। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पर इसे बोलते हैं रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म की मदद से किसी चीज़ को सॉल्व करना। ठीक है, नेक्स्ट जो है उसने एक और एग्जांपल दी हुई है 3x3 की, तो यहाँ से भी उसने रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म की मदद से जो है वो हल किया हुआ है। आप इसे देख लीजिएगा, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है, उसको इन्वर्स निकाल दिया। इन्वर्स निकालने के बाद जैसे ही इन्वर्स फाइंड हो जाता है तो अब उसने उसको बी से मल्टीपल भी करना होता था। ठीक है, तो बी से मल्टीपल करने के बाद आपको एक्स के आंसर मिलेंगे यहाँ पे भी। ठीक है, तो नेक्स्ट उसने जो है एक और जो है वो एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, कि डिटरमिनेंट ऑफ 1 2 3 4। तो डिटरमिनेंट लेने का तरीकाकार क्या होता है, देखें डिटरमिनेंट का मतलब होता है कि आपने डायगोनल को आपस में मल्टीपल करना है। ठीक है, यानी कि आपके पास ये जो आ रहे हैं ना नज़र 1 2 3 4, इस चीज़ को बोलते हैं डायगनल, इन्होंने सबसे पहले मल्टीपल होना है। यानी कि 4 को 1 से मल्टीपल करूँगा तो 4, फार्मूले में माइनस आ जाता है। अब जो बचे 3 और 2 आपस में ज़रब खाएंगे तो बन जाएगा 6, 4 में से 6 निकालेंगे तो माइनस का 2। तो इसका डिटर्मिनेंट का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा हमारे पास, माइनस का 2 आएगा। ठीक है, अब अगर आप चेंज कर दें अलामतों को, चेंज करके निकालें, कोई और एग्जांपल ले लें, तो फिर उसके हिसाब से जो है वो आपका आंसर डिफरेंट आता जाएगा। इसके अलावा हमारे पास जो है वो माइनर एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, ये जो आपके पास, अगर आपके पास कोई कॉलम हो तो उसमें मौजूद जैसा कि उसने लिखा हुआ है A11, A12, A13, ये सारे आपके पास क्या हैं, ये आपके पास एलिमेंट हैं सारे के सारे, इंट्रीज़ का नाम भी इनको देते हैं। ठीक है, तो इनके अगर हमने को फैक्टर निकालने हो, किस चीज़ का को फैक्टर निकालना हो, किसी भी चीज़ का, देखें निकालते कैसे हैं ये मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास लेट अस सपोज उसने यहाँ पे क्या निकाला है, 23 का निकाला है, ऐसे ना को फैक्टर, तो कैसे करना है, जिसको भी आपने निकालना है आपने उसकी मुकम्मल रॉ को और मुकम्मल उसके कॉलम को छोड़ देना है। क्या बचा पीछे, 1 1 वाले 1 2 वाली और 3 1 वाली और 3 2 वाली, तो वो यहाँ पे नज़र आ रही है आपको। ठीक है, जिसका भी माइनर को फैक्टर निकालना होता है आपने उस वाली रॉ को मुकम्मल तौर पे छोड़ देना है और उस वाले कॉलम को मुकम्मल तौर पर छोड़ देना है। ठीक है, इससे रिलेटेड यहाँ पर अगर एक क्वेश्चन आता है तो मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, तो आप इसको अच्छे से पिक कर लेंगे। इसमें प्लस माइनस का भी चक्कर होता है, क्या चक्कर होता है देखें, अगर आपने यहाँ से अगर हम बात करें 23 निकालना है आपने लेट अस सपोज, ठीक है,
तो 23 अगर आपने निकालना है तो ये आपके पास है 23 वाली अलामत, ठीक है। अब देखें, आपने इसे माइनस वन की पावर में भी लिखना है साथ, जैसे कि 2 + 3 इसे इस फॉर्म में लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। या 2 + जो है वहाँ पे 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है। बाकी काम आपको पता ही है कि आपने इसको भी छोड़ देना है और इसको भी छोड़ देना है, तो जिसके लिए भी आप फाइंड करेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं 1 की बात करूँ, ठीक है, तो अगर मैं 1 की बात करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस वन की पावर 1 + 1 भी आ जाएगा, ठीक है। और जैसे मैंने 1 को लिख दिया है तो इसके लिए ये दोनों छोड़ दिए जाएंगे और बाकी आपका कॉलम बन जाएगा यहाँ पे, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट चीज़ जो है हम इसकी देखते हैं, शायद यहाँ पे कुछ एग्जांपल जो है उसने नीचे दी हुई हो, एवेल्युएट करें। उसने कहा इसका डिटर्मिनेंट किस तरह से लिया जाता है। डिटर्मिनेंट भी कुछ इस तरह से लेंगे कि आपने सबसे पहले काम जो करना है, आपने पास जो भी आपके पास फैक्टर गिवन होगा, आपने जैसा कि यहाँ पर -2 सबसे पहले था तो -2 आपने लिख दिया, ठीक है। अब उसको मुकम्मल तौर पर छोड़ देना है, आपने ये रॉ और ये रॉ आपने छोड़ देनी है, जो आपके पास बचा है आपने उसका कॉलम लिख देना है, साथ में -1 की पावर 1 + 1 तो आ ही रहा है। देन आपने क्या करना है, अब आपकी बारी आ रही है, ये हम पे -2, ये प्लस है, ये -2 लिखा हुआ है, ये वाला खुद बजाते आ रहा है। अब इसको ऐसे स्किप कर देंगे, इसको और इसको, और ये -3, 2 इसका अपना कॉलम बन जाएगा, ठीक है। साथ में -1 की पावर को मेंशन करना ही करना है यहाँ पे, ठीक है, कि आपके पास -1 की पावर में 1 + 3 जो आ रहा है ना, आपने उसको मेंशन लाजमन करना है यहाँ पे, ठीक है। देन आपके पास 0 आ रहा था, तो आप देख सकते हैं 0 को जब लिखेंगे तो उसके साथ वाले को छोड़ देंगे, रॉ को भी मुकम्मल और कॉलम को भी, और बाकी लिख दिया जाएगा। बाकी डिटर्मिनेंट को हल करने का मैंने आपको बताया है पहले कि उसका ट्रांसपो उसका जो है ना डायगनल को पहले मल्टीपल करते हैं, देन आपके पास उसके नॉन डायगनल को मल्टीपल करते हैं। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, ट्रांसपोज का मतलब होता है कि कतारों को कॉलमों में चेंज कर देना, ठीक है। आपके पास जो फर्स्ट रॉ होगी, ठीक है, जो फर्स्ट रॉ होगी वो आपके पास फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, जो सेकेंड रॉ होगी सेकेंड कॉलम बन जाएगा, थर्ड रॉ होगी थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो इस तरह से इसे ट्रांसपोज लिया जाता है। इसके अलावा अर्जाइन के बारे में अगर बताया जाए, तो अगर तो आपके पास अर्जाइन जो है वो 2x2 का हो तो वो तो आसान होता है, ठीक है। अगर तो 2x2 का हो तो जैसा कि यहाँ पर A, B, C, D कोई भी अगर आपके पास एक कॉलम हो, तो अगर तो 2x2 है तो आपने ये जो डायगनल एंट्री होती है इनकी जगह तब्दील करनी होती है, ठीक है। यानी कि D ने ऊपर चले जाना था, A ने नीचे आ जाना था, और B और C की बात करें तो इनकी साइन चेंज हो जाने थे, ये पॉजिटिव का है तो नेगेटिव का, नेगेटिव है तो पॉजिटिव का। तो नेक्स्ट जो है, अगर आपके पास 3x3 है तो इस तरह की चीज़ का अर्जाइन किस तरह से लिया जाता है, तो उसके लिए आपने जो अभी हमने को फैक्टर सीखे हैं तो आपने तमाम तर को फैक्टर पहले निकालने हैं, ठीक है। यानी कि आपने इस हर एक पोजीशन के लिए आपने फाइंड करने हैं, कौन सी पोजीशन आपकी, जैसे कि ये वाली, इसके लिए आपने तमाम के लिए जो है वो को फैक्टरों को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जब आप इस -2 की जगह पे जो हिंसा लिखना है वो निकालने के लिए आपने क्या करना है, आपने -1 की पावर में 1 + 1 और फिर उसको मुकम्मल तौर पे छोड़ देना है, बाकी जो इसका कॉलम बनेगा आपने उसका डिटर्मिनेंट लेके आंसर निकाल लेना है। देन आपने जो सेकंड पोर्शन के लिए जब आप करेंगे तो अब आपने -1 की पावर 1 + 2 लिखना है, यानी कि पहली तार है दूसरा कॉलम है, और फिर उसको मुकम्मल तौर पर ऐसे स्किप कर देना है और जो बचे का कॉलम उसको डिटर्मिनेंट ले लेना है। देन फिर आपने क्या करना है, सिमिलरली जब आपने इसके लिए आना है तो ये फर्स्ट रो है थर्ड कॉलम है, तो 1 + 3 लिखा जाएगा, और 1 + 3 में फिर आपने इसको स्किप कर देना है और फिर उसके बाद जो कॉलम बनेगा उसका आपने डिटरमिनेंट ले लेना है, ठीक है। तो इस तरह आपने तमाम के लिए निकालना है, तमाम के लिए निकालने के बाद आपके पास जो जो आंसर आते जाएंगे वो आंसर आपने वहाँ पर पुट कर देने हैं, यानी कि आपने तमाम सारे आंसर्स को यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है। पुट करने के बाद आपने इसका ट्रांसपोज लेना है, यानी कतारों को कॉलमों में चेंज करना है, तब जाके आपका जो है इसका अर्जाइन मिलेगा। और डिटर्मिनेंट निकालेंगे, चूँकि हमें पता है कि जो इन्वर्स का फार्मूला है वो हमारे पास होता है 1/determinant और साथ में अर्जाइन आता है,
तो डिटरमिनेंट के आंसर को हर एक पे डिवाइड कर देंगे तो तब आपके जाके मुकम्मल तौर पे इनवर्स फाइंड होगा। तो सिमिलरली अगर कोई नेक्स्ट एग्जांपल भी है तो बिल्कुल इसी तरह से आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है एक और तरीका है हमारे पास, क्रैमर का रूल जिसे बोलते हैं। देखें ये बहुत ही आसान होता है रूल, ठीक है, ये उन तमाम तर्ज से जो है वो आसान है। तो इसमें क्या करना होता है, आपने बिल्कुल वैसे ही कालम निकालने होते हैं जिस तरह आपने रिसेंटली निकाले हैं, ठीक है। यानी कि एक कालम तो आपने वैसे ही निकालना है जिस तरह आपने पिछले कालमों में निकाला है। नेक्स्ट आपने ए वन निकालना है, उसमें आपने करना कुछ यूँ है कि जब आपने नेक्स्ट ए वन वाला कालम निकालना है तो आप क्या करेंगे कि आपने जो एक्स वन वाला जो होगा उसे आपने मुकम्मल तौर पर जो है वो जी, तो आपने करना कुछ यूँ है कि आपने जो आपके पास मुकम्मल तौर पे आ रहेगा ना, अब देखें ए वन तो सिंपली सॉल्व हो जाएगा, जब आप ए वन की बात करेंगे तो आपने इस वन वाले को छोड़ देना है, ठीक है, यानी कि इस पहली रो को छोड़ देना है, इसकी जगह पे आपने इक्वल के जो दूसरी साइड पे आंसर हैं वो वाले दर्ज कर देने हैं, तब वो कालम बनाएगा। तो उस कालम को भी वैसे ही आपने डिटर्मिनेंट निकाल लेना है, सही है। देन आपने जब ए टू निकालना है तब आपने क्या करना है, जब आपने ए टू निकालना है तो आपने कालम जो बनाना है उसमें ये लाइन नहीं लिखनी, इसकी जगह पर आपने इक्वल वाले कालम को जो है इक्वल वाले जो हैं नंबर वो लिखने हैं, तो वो आपका ए टू बन जाएगा। फिर आपने एक ए थ्री कालम भी बनाना है, आप देख सकते हैं इतने तीन कालम बनाए होंगे। तो जब आपने ए थ्री कालम बनाना है तब आपने करना क्या है कि आपने फिर वैसे ही काम करना है कि आपने इस ए थ्री की जगह पर इस इक्वल वाले कालमों को दर्ज करना है, और जो कालम बन जाएगा आपने उसका डिटर्मिनेंट लेते जाना है। जब तीन डिटर्मिनेंट और एक ए वाला कालम बन जाएगा तो जब आपने एक्स निकालना है तो सिंपल जो आपका ए वन वाले का डिटर्मिनेंट बटा ए का डिटर्मिनेंट, जब आपने ए टू निकालना है तब आपने क्या करना है, यानी एक्स टू निकालना है तो तब आपने क्या करना है, आपके पास ए टू वाले का डिटर्मिनेंट बटा ए का डिटर्मिनेंट यानी कि जो सिंपल कालम आपका। तो जब आपने ए एक्स थ्री निकालना है तो आपके पास जो तीसरा कालम निकाला था ए थ्री वाला उसका डिटर्मिनेंट बटा सिंपल ए का डिटर्मिनेंट, तो इस तरह से आपके जो है आंसर आते जाएंगे, ठीक है। अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूज़न हो तो देन आप मुझसे जो है वो डिस्कस भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे अपना जो है वो नंबर भी मेंशन कर देता हूँ, अगर इसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूज़न आप लोगों को महसूस हो रही हो तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो नंबर नोट कर लीजिएगा 03467209438, ओके।